स्टूडेंट स्वागत है आपका सफलरो.com में। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक अपडेट सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार 10th देने वाले हैं। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी और आपने एडमिट कार्ड जाकर के अपने स्कूल से कलेक्ट भी कर लिया होगा। तो आज हम जानते हैं कि आप जब बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए जाओगे एडमिट कार्ड लेके, तो वहां पे जो आपको मिलती है आंसर शीट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओएमआर शीट की। तो बहुत से बच्चे उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ओएमआर शीट में कुछ ऐसी गलतियां ना हो, जिसके लिए वीडियो आप पूरा एंड तक देखें, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरनी चाहिए और क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, बिकॉज 12th के स्टूडेंट्स जो है एक बार 10th के एग्जाम्स दे चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि किस तरीके से उनको ओएमआर शीट फिल करनी है। लेकिन 10th के स्टूडेंट्स जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, उनसे काफी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी बार आंसर शीट रिजेक्ट भी हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो बच्चों, और देखो कि किस तरीके से ओएमआर शीट को फिल किया जाता है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको प्रॉपरली पूरा एक ओएमआर शीट फिल करके दिखाऊंगी, जिसमें आप जान जाओगे कि किस तरीके से आपको फिल करना है और क्या है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारी खुली हुई है ओएमआर शीट, और इस ओएमआर शीट को हम जा रहे हैं फिल करने के लिए। और इसमें सब इसी टाइप की शीट आपको मिलने वाली है वहां पर, जो कि आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपको अपने फुल सब्जेक्ट का नाम लिखना है। सब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट्स आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, एग्जैक्टली आपको सेम उसी तरीके से लिखना है, यानी कि फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट लिखना है, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है हिंदी, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ हिंदी, एंड देन उसका पूरा सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कोर्स ए। सो यू विल राइट लाइक दिस, हिंदी कोर्स ए आपने लिख दिया। सब्जेक्ट कोड आपका है 002, जो कि आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स अगर आप एडमिट कार्ड से देख के फॉलो करोगे ना, तो बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आपने सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया तो डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डे आपको याद होगा ही। तो पहला डेट मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट आपका एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है, तो वो डेट आपकी होगी वेंसडे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेंसडे और यहाँ कॉमा देकर के आप लिखोगे 21 फरवरी 2024, चाहे तो 2024 पूरा भी लिख सकते हैं। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर आपके सारे सब्जेक्ट्स में इंग्लिश रहने वाला है एक्सेप्ट हिंदी में, तो हिंदी में तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। रेस्ट आप बाकी सारे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके टॉप राइट में एक कोड लिखा हुआ होगा, तो उस कोड को आपको उतारना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपका कोड मिलने वाला है 62/1, तो ये जो 62/1 है आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो ये 1 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेट 1 है, तो आप इस सेट 1 को यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल कर दोगे। सेट 1 को आपने सर्कल कर दिया। उसके बाद यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। सो स्टूडेंट, फर्स्ट में जब आप फिल कर रहे होते हो ओएमआर शीट, तो आपको इसको फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो ओएमआर शीट होती है उसमें इतने ज्यादा पेजेस ऑलरेडी होते हैं कि आप उतना पूरा भी नहीं लिख पाएंगे। उसके बावजूद अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपने सप्लीमेंट्री आंसर बुक लिया, तो उस आंसर बुकलेट का यहाँ पे नंबर लिखना होता है, तो वो आपको इन्विजिलेटर बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो आपको येस या नो फिल करना है, येस है या नो है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। नेक्स्ट आपको अगर आपका नो है, फॉर एग्जाम्पल नो डिसेबिलिटी है, तो आपने नो फिल कर दिया, तो उसके बाद आपको इस कॉलम से कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। राइटर प्रोवाइडेड का मतलब ये होता है कि क्या आपको लिखने के लिए कोई अलग से राइटर प्रोवाइड किया गया, या आप लिख नहीं पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है जिससे आपको डिसेबिलिटी है, तो क्या आपको राइटर प्रोवाइड किया गया। तो जब आपने यहाँ पे डिसेबिलिटी में नो लिख दिया है, तो राइटर प्रोवाइडेड में आप लिख दोगे नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद इफ यू विजुअली चैलेंज नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, तो ये भी आपका नॉट एप्लीकेबल है। ये हो गया आपका इस पार्ट में। अब आ जाते हैं हम राइट साइड में, जो आपको डिटेल्स लिखनी है, यानी कि आपको यहाँ पर इस टाइप का जो इधर का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको फिल करना है क्या आपका नेम। अब यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो आपको नेम अपना कैपिटल लेटर में लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक नाम ले लेते हैं लकी सिंह, तो अब मैंने जो नाम लिया है लकी सिंह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे LUCKY, और यहाँ पे आपको एक ब्लॉक छोड़ना होता है अपने फर्स्ट नेम के बाद, उसके बाद आप लिखेंगे सिंह। ठीक है, अब नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम इतना बड़ा है कि वो इतने, ये तो 20 ब्लॉक्स होते हैं, इस ब्लॉक से भी बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट जितना भी नाम आपका वहां पे एडजस्ट हो जाता है, आपको शुरू से अपना नाम वहां तक एंड तक लिखना है, उसके आगे का पार्ट छोड़ देना है।
ठीक है। तो जैसे अगर किसी का बहुत बड़ा नाम है जो 20 लेटर से भी ज्यादा जा रहा है, बिकॉज हर एक फर्स्ट नेम या सेकेंड, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम हो गया, उसके बाद एक ब्लॉक आपको छोड़ना होता है। अगर उसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपके नाम के लेटर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप शुरू से अपना नाम फिल करोगे और उसके बाद आप लास्ट का पोर्शन जो है वो उसको छोड़ दोगे। अब नाम जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है, तो ये जो एल मैंने फिल किया, तो आपको इसी लाइन में स्टूडेंट्स, इसी लाइन में आपको एल लेटर को ढूंढना है और उसको यहाँ पे ऐसे करके सर्कल कर देना है। ठीक है, एल लेटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब ये जो एल है, अब ये यहाँ पे यू है, तो आपको इसी पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन में आपको यू को भी फिल ढूंढना है। जैसे अब यहाँ मैंने यू ढूंढ लिया, यहाँ पे यू को सर्कल कर दिया, वैसे ही सिमिलरली आपको सी को सर्कल करना है और सिमिलरली आपको यहाँ पे के को ढूंढना है, एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से आप फिल कर लोगे। तो आपको पर्टिकुलरली ये फिल करते समय बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना कि ये यहाँ पे बिल्कुल उसी लाइन पे फिल हो। नाउ अगर आपके मन में ये सवाल होगा, अगर मैंने गलती कर दी, पहले तो आपको गलती करनी ही नहीं है, इन केस आपने गलती कर भी दी तो आपको व्हाइटनर तो अलाउड है नहीं, व्हाइटनर अलाउड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। उस केस में आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यू है, यू की वाई है, ये सपोज फॉर एग्जाम्पल ये वाई है, वाई में मैंने यहाँ पे ऐसे इसको कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मैंने ए पे कर दिया। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको कट करोगे और फिर जहां इस लाइन में आपको y दिख रहा है, y जहां पर है, ठीक है, आपको उस y को वहां पे जाकर के सर्कल कर देना है। जहां पे आपको ये y दिख रहा है वहां पे आपको y को सर्कल कर देना है इस तरीके से। लेकिन स्टूडेंट्स कोशिश करना कि बिल्कुल भी गलती ना हो और बहुत अच्छे तरीके से इसको, आपको ओमेस्ट को फिल करने के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको फिल करना और वैसे ही आपको सिंग भी फिल करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर अगर इस तरीके से 4326791, तो ये आपने फिल कर दिया यहाँ पे। उसी में अब आपको नंबर डिजिट को ढूंढना है, 4 फिल किया आपने, 3 फिल किया, यहाँ पे 2 फिल किया, तो ये ब्लॉक तो मैं ऐसे ही भर रही हूँ, लेकिन आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा सर्कल करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से आधा छोड़ना मत, ये पूरा सर्कल करना सारे नंबर्स को। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड आपको पहले से पता ही है 002 है, तो आपको फिल कर देना है वैसे ही, यहाँ पे 0 आपने फिल कर दिया। और उसके बाद आप देखना ध्यान से, यहाँ पे 1 से सीरीज स्टार्ट होती है, 0 समझ के ये फर्स्ट वाला सर्कल कितनी बार बच्चे फिल कर देते हैं, तो वो आपको नहीं फिल करना है, आपको ध्यान देना है बिल्कुल ये 0 एंड पे है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको 0 यहाँ पे 0 फिल करना है, यहाँ पे आपका 0 है, फिर उसके बाद 2 आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये आपका 2 है, ये फिल कर दिया आपने। उसके बाद आपका सेंटर कोड, अब फॉर एग्जाम्पल सेंटर नंबर आप क्या भरोगे, तो सेंटर नंबर के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने, आपके एडमिट कार्ड में सेंटर नंबर भी दिया हुआ रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटर नंबर आपका रहता है 4378, तो आपने ये फिल कर दिया और उसी हिसाब से इसको कलर कर दिया। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको पूरा ओएमआर शीट को अच्छे से भर लेंगे, यहाँ पे 1 भर दिया आपने और यहाँ पे ये 8 भर दिया। फ्रेंड्स उसके बाद आप फिर आ जाते हो इस तरीके से, यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट फिल करना होता है, तो सब्जेक्ट फिर आप यहाँ पे लिखोगे हिंदी कोर्स ए, यहाँ पे फिर आपने लिख दिया। स्कूल नंबर, अब आपके स्कूल का नंबर जो भी है वो आपको फिल करना है, वो भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा। एक तो हो गया सेंटर नंबर यानी कि जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक हो गया आपका स्कूल नंबर जो कि आपके जहां पे आपने पढ़ाई की है वो स्कूल का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल का नंबर मैंने लिख दिया 12345, तो आपने ये फिल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपके रोल नंबर्स हैं इन वर्ड्स, तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स रोल नंबर भी आपको दिया हुआ रहता है पूरा एडमिट कार्ड में, जिस तरीके से आपका दिया हुआ है उसी तरीके से आपको फिल करना है, एग्जैक्टली सेम फिल करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 400,000, और ये जैसे मैंने ऊपर जो आपका रोल नंबर फिल किया उसके हिसाब से मैं आपको लिख के बता रही हूँ 32,000। उसके बाद आप लिखोगे 791 ओनली, ये पूरा आपको लिखना है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है आप खुद से बिल्कुल मत बना के लिखना, जैसे मैंने तो यहाँ पे लिख दिया देख करके। आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम सब कुछ एडमिट कार्ड से देख के लिखना, फिर आपको एक यूज टू हो जाओगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में लिख पाओगे।
उसके बाद फादर नेम आपको लिखना है या गार्जियन नेम लिखना है, तो आप यहाँ पे अपने फादर का नाम फुल लिख दोगे, ठीक है, पूरा फादर का नाम यहाँ पे लिख दोगे। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपका वही सिग्नेचर होना चाहिए जो कि आपने एडमिट कार्ड में किया है, क्योंकि अगर आपने उससे जरा भी सिग्नेचर इधर उधर किया तो आपको इन्विजिलेटर क्वेश्चन कर सकता है कि ये तो आपका सिग्नेचर नहीं है। तो जैसे कि अगर लकी सिंह फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारा लकी सिंह है, तो हमने वहां पे यहाँ पे इसका लिख दिया है सिग्नेचर इस तरीके से लकी सिंह। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी ओएमआर शीट को पूरे को फिल करना है। उसके बाद आपका कोई यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है इन्विजिलेटर करेगा। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो ओएमआर शीट। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी मेरी एक एडवाइस है कि आप अपने इन्विजिलेटर का पूरा इंस्ट्रक्शन सुने, और कहीं आपको डाउट हो, जैसे कि आपने अगर वीडियो देख भी लिया है लेकिन फिर भी आप भूल गए कि मैंने किस तरीके से बताया था यहाँ पे कैसे होगा, आप उसके लिए रुक जाएं और इंतजार करें कि इन्विजिलेटर आपके सीट पर आए। और जब इन्विजिलेटर आएगा तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन आंसर शीट पे जो भी गलतियां होंगी या फिर जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, तो वो आपको खुद बताने वाला है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे फिल करना है, आप उसको फिल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब आप वहां पे जाते हो, एग्जाम आपका 10 o'clock आपको ये ओएमआर शीट मिल जाती है, 10 to 15 AM आपको इसको फिल करने का टाइम मिलता है। तो 15 मिनट में अगर आपने फिल किया तो ठीक है, अदरवाइज इस पे टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पे पूरा ध्यान दें अपने ओएमआर शीट को छोड़ के, ओएमआर शीट 15 मिनट में जितनी भरी है उतना ठीक है। उसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लें। 10:30 से जब एग्जाम शुरू होगा उसके बाद अपना लिखना शुरू करें, और जब इन्विजिलेटर आपके सीट पे आता है तो आपको पूरी डिटेल्स जो भी बची भी होंगी वो भरवा देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओएमआर शीट भरनी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अपने सारे जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको जरूर शेयर करना, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।